दोस्तों आरसीईटी एग्जाम 2021 के लिए फाइनली डेट डिक्लेयर कर दी गई है आरकेसीएल के द्वारा। उसमें दो डेट को फिक्स किया गया है आरसीईटी एग्जाम के लिए। उसमें पहली डेट है 31 जनवरी 2021 और सेकंड डेट है 21 फरवरी 2021। तो दोस्तों आपका एग्जाम 31 जनवरी 2021 को होगा या फिर 21 फरवरी 2021 को होगा। आरसीईटी एग्जाम में सिलेबस क्या रहता है, आरसीईटी की बुक में से कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चन आरसीईटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोस्तों इन सब के बारे में चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। दोस्तों इस वीडियो को मैं शेयर करने की रिक्वेस्ट आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन स्टूडेंट ने जब अपना आरसीईटी का फॉर्म जिस कंप्यूटर सेंटर पे या जिस ई मित्रा के पास सबमिट करवाया था और उस वक्त जो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया था, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे उनमें से वो मोबाइल नंबर आज के टाइम में प्रेजेंट टाइम में वर्किंग में नहीं है, यानी कि किसी कारण वो नंबर बंद हो चुका है। तो आपके द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो हो सकता है वो उस स्टूडेंट के पास पहुंचे जिसे उसे ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल सके और जल्दी से जल्दी वो अपने कंप्यूटर सेंटर पर या ई मित्रा पर एग्जाम के बारे में संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हम इस चैनल पर फाइनली आरसीईटी एग्जाम तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लगातार हम अपलोड करते रहेंगे जिससे कि आपको एग्जाम के टाइम में काफी हेल्प भी मिलेगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो ये हमें आरकेसीएल की तरफ से मेल हमें मिला है और इसी मेल में उन्होंने इन दोनों डेट का जिक्र किया है। तो 31 जनवरी 2021 की जो डेट है तो इसके आगे उन्होंने इसे लिखा है भी इस परीक्षा में जुलाई 2020 तक के बैच को सम्मिलित किया जाएगा, यानी कि ऐसे विद्यार्थी जिनका जुलाई 2020 तक एडमिशन कन्फर्म हो गया था वो 31 जनवरी 2021 तक के जो एग्जाम होगा उसमें परीक्षा दे सकते हैं। और 21 फरवरी वाले जो एग्जाम डेट है इस एग्जाम में अगस्त 2020 से लेके अक्टूबर 2020 तक के जो स्टूडेंट है जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका था और री एग्जाम के जो स्टूडेंट है वो 21 फरवरी 2021 वाले जो एग्जाम होगा उसमें परीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों अगस्त 20 से लेके अक्टूबर 20 तक तो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट रहेंगे और री एग्जाम यानी कि जो ऐसे विद्यार्थी जो पिछले परीक्षा में फेल हो गए थे या किसी कारण वो उनका असेसमेंट पूरा नहीं होने की वजह से वो इसमें एग्जाम नहीं दे सके थे पहले, तो उनका एग्जाम भी 21 फरवरी 2021 को होगा। तो सीधी सी बात है भी जुलाई 2020 तक का जिनका एडमिशन हुआ है उनका एग्जाम 31 जनवरी 2021 को होगा और अगस्त 2020 से लेके अक्टूबर 2020 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका 21 फरवरी 2021 को एग्जाम होना डेट अभी तक संभावित है। तो दोस्तों ये तो था एग्जाम की डेट भी कौन से स्टूडेंट्स का एग्जाम कौन सी तारीख को होगा। और अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो जो आरसीईटी की बुक है उसमें टोटल 16 लेसन है। तो अगर लेसन वाइज हम बात करें तो दोस्तों ये जो एग्जाम का जो सिलेबस का डाटा है तो ये हमने जो लास्ट ईयर जो पिछले 5 से 7 एग्जाम जो हुए हैं उन्हीं की एनालिसिस के आधार पे ये हमने एक डाटा तैयार किया है, यानी कि लेसन 1 से 9 तक जो लेसन है उसमें 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेसन 10 से 13 उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, 11 और 12 13 क्वेश्चन, यानी कि इन 4 लेसन में भी 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन लेसन नंबर 14 से लेकर 16 तक है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन भी आते हैं और 3 से 5 क्वेश्चन फुल फॉरम के भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर सीधे तौर पे अगर हम बात करें तो यानी कि इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के बारे में कुल 7 से 9% आते हैं, यानी कि आरसीईटी की एग्जाम में कुल 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस के बारे में 7 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर भी आ गया, हार्डवेयर भी आ गया, मेमोरी के बारे में, तो इन सब के बारे में 8 से 10 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और उसके बाद में एक लेसन होता है राजस्थान नागरिक सेवा के बारे में, इससे भी इस लेसन से संबंधित भी 5 से 7% पूछे जाते हैं। इसमें आधार यानी कि ई मित्रा प्लस के बारे में जो
क्वेश्चन होते हैं, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन भी इस लेसन से आते हैं। और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मिक्स भी हो सकता है, हो सकता है इसमें 5 एक्सेल के पूछ ले तो 2 वर्ड के आ सकते हैं, या 2 पावर पॉइंट के बारे में पूछ लिया, 4 वर्ड के बारे में पूछ लिया, 1-2 क्वेश्चन एमएस एक्सेल के बारे में पूछा जा सकते हैं। तो ऑल ओवर बात करें तो 6 से 8 क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के बारे में पूछे जाते हैं। और उसके बाद में 4 से 5 जो क्वेश्चन है वो साइबर सुरक्षा एवं जागरूकता, इसके बारे में जो लेसन है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन इससे साइबर सुरक्षा और जागरूकता से संबंधित में पूछे जाते हैं। और 3 से 5 क्वेश्चन होते हैं वो फुल फॉर्म जो होती है उनके बारे में भी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का जो सिलेबस है और कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।